तो ये गाइस आप लोग कैसे हो, आशा करते हो कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में मैं आरिश के साथ प्रैंक करने वाला हूँ क्योंकि वो काफी लेट आ रहा है। मैंने उसे कॉल किया है बट वो बोल रहा है कि 7:30 में आऊंगा और हम लोग का टाइमिंग है कि 5 से 5:30-6 बजे तक हम लोग वीडियो बना लेते हैं। बट वो आज बोला है कि काफी मैं लेट आऊंगा, तो आज का वीडियो उस पर होने वाला है। आज मैं उस पर प्रैंक करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरी देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। वीडियो को पूरी देखना। और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, अब समीम आगे का बोलेगा क्योंकि आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट अच्छा ना कर देना भाई। एक कमेंट हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हम लोग को मोटिवेट करता है। आप एक कमेंट, सब्सक्राइबर और लाइक हम लोग को मोटिवेट करता है, तभी तो मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा। तो बिना बकचोदी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम उसको कॉल लगाते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अगर वीडियो बना रहा है किसी पे बोलेंगे कि आज हम लोग बुक छाप रहे हैं लवर किस तरह से, इसीलिए मैं मतलब ऐसा है कि मैं उसको बोलूंगा कि मैं एक लवर ग्रुप से बोल रहा हूँ। मेरा ग्रुप ऐसा है कि बिजी है, उसको कॉल लगाते हैं, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। कुछ बता नहीं, कॉल ही नहीं उठा पा रहा हूँ। आज तो इसका फुल मजा लेंगे हम लोग। देख क्या, फिर नहीं उठाया, फिर कट करके फिर उसको दोबारा कॉल करते। हेलो सर। हेलो, कौन? नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं लव स्टोरी ग्रुप से बोल रहा हूँ जी। मेरा लव स्टोरी ग्रुप से मैं बोल रहा हूँ जी। मेरा एक बुक छपा रहा है, ठीक है ना जी। 2022 में मेरा बुक लॉन्च होगा। उसमें क्या है कि अगर आप अपने लव स्टोरी मेरे को अगर आप शेयर करते हैं, ठीक है ना जी, तो मैं आपका लव स्टोरी अपने बुक में लिख सकता हूँ। कहाँ से आप? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई? मुंबई कहाँ पे? मुंबई कुर्ला। अच्छा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या आप अपना लव स्टोरी मेरे को शेयर करेंगे तभी तो मैं आपका लव स्टोरी मैं अपने बुक में लिखूंगा। बस आपका आपका और आपके लवर का नाम नहीं आएगा उसमें। अच्छा, फिर आपका क्या मैं बोलूं? फिर वो आप बुक पढ़ोगे लव स्टोरी अपने। कब आएगा ये बुक? बुक वही 2022 में आएगा लगभग। अच्छा, ऐसा तो कुछ है नहीं बट मेरी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। हमने देखा कि इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, जो लवर बुक आता है ना, जो दुकान वुकान में मिलता है, मॉल में भी अवेलेबल रहता है जी सर। हाँ, तो वही मैं शेयर करता हूँ। तो आप क्या इंटरेस्ट रखते हैं शेयर करने में अपना लव स्टोरी? नहीं सर, मतलब आपका लव स्टोरी उसमें, बट मेरे को जरूरत है आपके लव स्टोरी की। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना लव स्टोरी मेरे को शेयर। मेरा तो बहुत लव स्टोरी है, कौन सा बताऊं आपको जी सर? सर आपका बहुत सारे स्टोरी लव स्टोरी है, तो मैं आपसे बस मैं आज एक ही लव स्टोरी सुनूंगा, फिर तभी मैं कॉल करूंगा तो आप दूसरी लव स्टोरी सुना देना। अच्छा, तो पहली वाली से शुरू करें या दूसरी वाली से या तीसरी वाली से? आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं सर उससे स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा चलो, लो किसी का भी ले लो। हाँ, तो स्टार्ट करें सर। सर मेरा नाम नहीं आएगा सर? नो, आपका नाम नहीं आएगा सर। मतलब ऐसा है कि आपके नाम के जगह पे मैं दूसरे का नाम रख दूंगा, या फिर ऐसे आपका नाम क्या हुआ सर? आरिश हुसैन। आरिश हुसैन, अच्छा, तो मैं आपके लवर का नाम तो नहीं पूछूंगा, बट तो आप अपने लवर को ई करके बुला सकते हो। मतलब आपके जब अपना लव स्टोरी सुनाओगे तो आप ई उसका नाम रख लोगे, अपने लवर का नाम नहीं आना चाहिए। तो अपना लव स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं सर। जी सर, सुनाइए कहाँ से ये लव स्टोरी स्टार्ट हुआ, पहले शुरू से आप सुनाइए सर, कहाँ से लव स्टोरी स्टार्ट हुआ? हम घूमने गए थे
अच्छा कहाँ गया था? मतलब बस पास ही में, समझ लो आप घूमने गए थे बस, जानो लगभग आप कहाँ रहते, कहाँ हो? मैं तो बिहार में रहता हूँ। अच्छा बिहार में रहते हो, तो आप बिहार से बाहर गए थे घूमने, तो बिहार नहीं, बिहारी में, बिहारी में घूमने गए थे। में गए, तो राजगीर गए थे, नालंदा गए थे, ये सब नाम है ना कहीं का भी आप ले सकते। हाँ राजगिरी समझो। हाँ अच्छा राजगीर के आसपास मैं समझू, हाँ वही समझो। तो वहां आप घूमने गए फिर हाँ वही आपको। सर, तो वही पहला दिन मुलाकात हुआ उनसे। अच्छा आपने मतलब वो पहले प्रपोज की थी, आप प्रपोज किए थे या फिर आपने पहले उसे देखा था कि उसने आपको देखा था? मतलब दोनों ने देखा था। पहले किसने देखा था? मैं मतलब लव स्टोरी मेरा ऐसा है कि मैं एकदम बारीकी से उसको समझता हूँ फिर मैं बुक में लिखता हूँ। जी तो आप अपने मतलब पहले वो देखी थी कि आप पहले। उतनी बारीकी से तो नहीं बताऊंगा, बट बता देता हूँ, आप सुन लो, हाँ आपको इंटरेस्ट होगा तो लिखना। जी तो भाई सर। हाँ सर, तो वही वहाँ पे हम गए घूमने, तो पहली बार मैंने ही देखा, तो मुझे वो पसंद आई, और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी अच्छा और ऐसे ही नॉर्मली हम लोग बातचीत चालू किए। अब तो आप पहला लव स्टोरी बता रहे सर, उतना नहीं पता, सेकंड समझाना। ऐसे बोल रहे हैं कि पहला लव स्टोरी है कि दूसरा लव स्टोरी है? आप बोल रहे हैं कि मेरे मेरा बहुत सारा लव स्टोरी है। सेकंड समझी सेकंड? अच्छा जी। सेकंड ना समझो, फिर दूसरी बार आप उससे कहाँ मिले? अच्छा और उसके बाद फिर एक बार और फिर घूमने गया था, तो फिर दूसरी बार मुलाकात हुई, पर्सनल मुलाकात है, तो वो मैं मिलने गया था। अच्छा सर, और अभी आप उससे बात करते हो या नहीं? मतलब ब्रेकअप हो गया या फिर अभी भी आप उससे बात करते हो? बहुत दिन हो गया सब। अच्छा ब्रेकअप बहुत दिन हो गया ना। अच्छा तो ब्रेकअप कैसे हुआ, मतलब लास्ट टाइम में मेरे को बुक में लिखना होगा ना। हाँ तो वही ब्रेकअप इस वजह से हो गई है कि कुछ हुआ तो अपना मैं बताया नहीं चाहता, मतलब शॉर्ट में आप बता सकते हैं सर? ऐसे ही बात बात पे गुस्सा हो जाती है थी इसी के लिए। अच्छा, वो तो लड़की का काम है बात बात पे गुस्सा हो जाना। अच्छा सर मेरे एक दूसरे सर है, आप उनसे बात करना इंटरेस्ट रखते हैं? उनसे बात करके आपको तो बहुत खुशी होगी, बात उनसे क्या बात करेंगे हम, आपसे बात कर रहे हैं। बात कर लें आप। जी सर, इतना टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी से करें सर। अच्छा जी सर, मैं दे रहा हूँ अपने सर को। हेलो सर नमस्ते, मतलब हेलो सर, नमस्ते, बोलिए सर। बोलना चाहते हैं आपका ब्रेकअप कैसे हुआ? ब्रेकअप बस ऐसे ही हो गया। मतलब क्यों, मतलब आपकी इधर से गलती थी कि उसकी इधर से गलती? मेरी ही गलती समझो। लाठी ही गलती थी ना, मतलब जी वो पसंद करती थी या नहीं? दोनों पसंद करते थे। कि सर मतलब बहुत सारा लव स्टोरी सर जानते हैं, तो मैंने सर को बोला कि सर दूसरे दिन अपना दूसरा लव स्टोरी सुनाएंगे, क्योंकि सर बोल रहे हैं कि मेरा सारा बहुत सारा लव स्टोरी है, तो ये शायद सर बोल रहे हैं कि दूसरा लव स्टोरी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर से? हेलो हेलो तो जी, बोलिए। मतलब आपका कितनी कितनी लव स्टोरी है? आप कितना बोलोगे जितना उतना सुन लो। कितनी है लगभग, में आप बता सकते हो सर? मतलब लगभग में बोला ना, 5-6। 5-6 हो सकता है, मतलब 3-4 तो क्रश है। आप अभी आप एक बताएं। अच्छा सर एक बात और, मतलब अभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं? नहीं नहीं हो अभी ना, जी, मतलब सब लड़की को आप यूज करके छोड़ देते हो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं तो सर क्या है? 3-4 क्रश थी और दो तीन से बात करता था। चार क्रश और दो से बात करता था। उसी से बात होता रहा ऐसा था। लगभग में आप बता सकते हो कि आपके एक्स कितनी है? एक्स एक भी नहीं थी। एक्स भी नहीं थी, एक भी नहीं है, मतलब अभी भी आप बात कर सकते हो उससे ना, सही ये बात है। टाइम अप हुआ सर आपका इतना टाइम लेने के लिए,
धन्यवाद जान देने इतना कीमती वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मतलब जब भी मेरा लॉन्च होगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है ना सर? जी सर। आपको नोटिफिकेशन मैं भेज दूंगा इस नंबर पे। जी सर। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। जी सर। खाली आपका नाम नहीं आएगा सर, आपका नाम नहीं आएगा और आपके बेटर का नाम नहीं आएगा। हेलो सर, हम लोग फेमस हो सकते हैं क्या? यस सर, आप फेमस हो। मतलब वो लव स्टोरी जब सब पढ़ने लगेगा, आपका लव स्टोरी फेमस हो जाएगा, तब मैं उस वक्त आपका या फिर आपके लवर का नाम मैं नाम बता दूंगा, तब आप मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आ सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। शुभ शुभ। अब देख सकते हो इसने क्या बोला कि मेरी लवर बहुत सारी है और ये दूसरा लव स्टोरी इसने सुनाया है जिसका नाम तो मैंने नहीं पूछा है, बट इसका नाम आपको पहले ही बता दिया है कि इसका नाम आरिश है। हम लोग को बोला है बहुत जरूरी काम है, देखो फाइन किया है तो क्या बोला लव स्टोरी सुना रहा है बैठकर। हाँ, अब बोला कि समय नहीं है। हाँ, मैंने जब कॉल किया तो उसने बोला कि नहीं अभी भाई बहुत सारा काम है, और अभी मैंने जब कॉल किया उसको, और अगर मैं अपने नंबर से उसको कॉल करूंगा वो कभी मेरा कॉल नहीं उठाएगा, वो बोलेगा कि 7:30 के बाद मेरे को कॉल करना, मैं फिर आऊंगा। हमने लव नंबर से कॉल किए थे, फिर मैंने किया। हाँ, सुन लिया सर। और आप देख सकते हो इसने लव स्टोरी पूरा सुनाया है, और इसने बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट इसने लव स्टोरी पूरा सुनाया है। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के शेयर कर देना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले, और कमेंट जरूर से करना प्लीज, हम लोग को सपोर्ट करें क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं। हाँ, बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं और इतना रिस्क उठा के हम किसी को कॉल कर रहे हैं, तो आपका एक सब्सक्राइबर मेरे को मोटिवेट करेगा, तभी तो मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।